हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे डीसी साउंड मोटर में क्या क्या चीज़ लगा रहता है। तो ये है मोटर की नेम प्लेट। ये 2 HP का डीसी साउंड मोटर है। उसका फुल लोड एम्पियर है 8 एम्पियर। उसका RPM है 1500। उसका आर्मेचर वोल्टेज है 220। उसका फील्ड का वोल्टेज है 220। ये उन मोटर का साउंड टाइप मोटर है। इसका स्टार्टर है और इसका उसका आर्मेचर है जिसका ऊपर उसका आर्मेचर का स्लॉट है। इसका कूलिंग फैन है। इसका कूलिंग फैन आर्मेचर के ऊपर लगा रहता है। और यह है कम्यूटेटर सेगमेंट जिसमें कार्बन बस के थ्रू इसका आर्मेचर में करंट पहुंचता है। तो उसका जो जहाँ पर कार्बन बस लगता है वो आपका जो स्टार्टर का एंड कवर जो लगता है उस साइड में फिटिंग होकर रहता है। और ये स्टार्टर का कॉयल और ये है उसका योक है जिसका ऊपर कॉयल को हम लोग ऑन करके रखते हैं। दो उसका साउंड कॉयल है और ये इसके अंदर रहता है। और उस जो पीछे में जो देख रहे हैं एंड कवर उसमें कार्बन ब्रश और उसका होल्डर लगा रहता है। जो स्टार्टर में जो 2 कॉइल लगा रहता है उसका एक एंड का कवर इस कम्यूटेटर का जो कार्बन ब्रश है उससे कनेक्ट रहता है। तो उसको देख पा रहे होंगे ये जो 1 वायर निकला है इस जो 2 पोल यहाँ पर जो ऑन करा गया है उससे 2 वायर आपका कार्बन ब्रश में लगाया गया है होल्डर में। और 2 पॉइंट उसका टर्मिनल बॉक्स का ऊपर में है। यह उसका कार्बन ब्रश इस टाइप का रहता है और उसका कार्बन होल्डर उसका अंदर में है। देख पा रहे होंगे ये उसका कार्बन होल्डर है। ऊपर में टेंशन देने का 1 स्प्रिंग लगा रहता है। जब कार्बन ब्रश कम्यूटेटर का ऊपर कंटिन्यू चलता है तो उसका थोड़ा थोड़ा घिस जाता है। तो उसको टाइट से उसको उसका ऊपर टेंशन बना के रखता है। उसीलिए उसको दिया गया है ऊपर में। तो इस टाइप का रहता है डीसी साउंड मोटर। इसका टर्मिनल बॉक्स है। इसमें देख पा रहे होंगे 2 फील्ड कॉइल लगा रहता है और 2 आर्मेचर के लिए यहाँ पर लगा जो आर्मेचर को जहाँ पर वोल्टेज जाता है यहाँ पर देख पा रहे होंगे कार्बन होल्डर का पास लगा रहता है। इस टाइप से वहाँ पर लगा रहता है। यह आपका आर्मेचर को पावर सप्लाई देता है। इसी से कार्बन ब्रश होके वो आपका आर्मेचर में जाता है। और यह है उसका कूलिंग फैन। जब हमारा साउंड मोटर रन करता है उसका कूलिंग फैन आपका बाहर में ना देके उसका आर्मेचर। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।